मीनाक्षी नटराजन जी, अर्चना जायसवाल जी, हमारे उम्मीदवार और मेरे प्रतिनिधि सुभाष सजोटिया जी, मेरे प्रतिनिधि विपिन जैन जी, मेरे प्रतिनिधि परशुराम सिसोदिया जी, मेरे प्रतिनिधि राकेश पाटीदार जी, नवकृष्ण पाटिल जी, पुष्पा भारती जी, राजेश रघुवंशी जी, ओम सिंह भाटी जी, महेंद्र गुजर जी, सभी यहां मंच पे बैठे हुए मेरे सम्मानित साथी, मेरे लिए तो आप भी उतने सम्मानित हैं। सभी आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, मारा मालवा का सगली भाई बहन को राम राम। सबसे पहले भगवान पशुपतिनाथ की पावन भूमि को मैं प्रणाम करता हूं, मालवा की पावन भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। आज इतनी बड़ी संख्या में आप यहां आए, आपने मुझे बल और शक्ति दी। आज यह आके तो खुशी है, पर अपने प्रदेश का क्या हाल है, अपने प्रदेश का क्या हाल है मैं पूछना चाहता हूं। ये चौपट प्रदेश, चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट शिक्षा व्यवस्था, चौपट कृषि व्यवस्था, अभी मुझे बता रहे थे कि संतरों पर भी इन्होंने टैक्स लगा लिया है, लगाया है ना, ये चौपट उद्योग धंधे, चौपट अर्थव्यवस्था, चौपट राशन व्यवस्था, चौपट पोषण व्यवस्था, ये तस्वीर आप सबके सामने है कि कैसी ये चौपट सरकार चल रही है। मैं तो आपसे यही कहने आया हूं, लंबी बात नहीं करनी, आपसे यही कहने आया हूं, हर चुनाव का अपना मायने होता है। हमारी नगर पालिका के चुनाव, जनपद के चुनाव, जिला पंचायत के चुनाव आते हैं, 17 तारीख को जो चुनाव है, ये चुनाव क्या क्या मायने है। ये चुनाव केवल किसी उम्मीदवार का नहीं है, ये चुनाव केवल किसी पार्टी का नहीं है, ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है। ये चुनाव में आप तय करेंगे, इस चुनाव में आप ये तय करेंगे कि आप कैसा प्रदेश आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा फैसला। मैं तो 44 साल चुनाव लड़ा हूं, पर ऐसा चुनाव जहां एक प्रदेश का भविष्य का प्रश्न होए, ऐसा चुनाव तो मैंने कभी नहीं देखा। आज विकास किस चीज का हुआ है, मैं सुन रहा था अभी, मैं देख रहा था नदी का हाल, विकास किसका हुआ है, कमीशन का हुआ है, विकास घोटालों का हुआ है। आप यहां बैठे हैं, पूरे मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है, सही बात है ये, जगह जगह ये मैं पूछता हूं, भ्रष्टाचार का क्या हाल है। लोग चिल्लाकर कहते हैं पैसे दो काम लो, 50 एकड़ जमीन हो पैसे दो गरीबी रेखा में नाम लिखवा लो, ये आज भ्रष्टाचार का हाल है। और सबसे बड़ी चुनौती, इतनी बड़ी संख्या में यहां नौजवान बैठे हैं, ये नौजवान खड़े हैं, सबसे बड़ी चुनौती इनका भविष्य है। मध्य प्रदेश में आज 1 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं, और यही नौजवान भविष्य में मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे। हमारे बुजुर्ग यहां जो बैठे हैं, उन्होंने तो अपना जीवन काट लिया, बिना सुविधाओं के अपना जीवन काटा, पर आज के नौजवानों में एक तरफ है, आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता, वो तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है, और यही सबसे बड़ी चुनौती है। और ये इनका भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा अगर निवेश आएगा, क्या मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से होगी। आप जानते हैं मैंने युद्ध शुरू किया था माफिया के खिलाफ, ये युद्ध आपके सामने है, मैंने शुद्ध का युद्ध शुरू किया था कि हमारे प्रदेश मिलावट की पहचान से ना जाना जाए। जब
सब अतिक्रमण कर लिया। सही बात कह रहा है ये क्या हुआ? ये आज तस्वीर आप सबके सामने है। निवेश निवेश नहीं आता, क्योंकि मुझे जब मैं मुख्यमंत्री था उद्योगपति कहते थे, मैं उन्हें कहता था कि आपको अपना सामान जब केरल और तमिलनाडु में बेचना है, आप अपना उद्योग पंजाब और हरियाणा में क्यों लगाते हैं? जवाब में वो मुझे कहते थे, यहां तो मध्य प्रदेश में कदम रखते हुए ही पैसे देने पड़ते हैं, इतना भ्रष्टाचार। और ये शिवराज सिंह जी के बारे में क्या कहूं मैं? ये पूछते हैं कमलनाथ ने क्या किया। पूरा प्रदेश गवाह है, पूरा प्रदेश गवाह है, आप गवाह है। मैं तो शिवराज सिंह से पूछता हूं, आपने दिया क्या? मैं शिवराज सिंह से पूछता हूं, आपने दिया क्या? महंगाई दी, इन्होंने भ्रष्टाचार दिया, कोरोना मत भूलिएगा, कोरोना में मौत दी, भर्ती घोटाले दिए, माफिया दिया, और एक और चीज दी, बताऊं? घर घर में शराब दी। ये शिवराज सिंह जी ने दिया, और उन्होंने मध्य प्रदेश की हर योजना में ताला लगा दिया, हर योजना में ताला लगा दिया, उन्नति और प्रगति पर ताला लगा दिया, उन्होंने रोजगार पर ताला लगा दिया, स्कूल यूनिफॉर्म पर ताला लगा दिया। ताला तो तब खोलेंगे जब 50% कमीशन आप दे देंगे। और शिवराज सिंह जी ने 22,000 घोषणाएं करी, 22,000 घोषणाएं 18 साल में, जहां नदी भी नहीं होती ये घोषणा कराते हैं पुल की। ये शिवराज सिंह जी हैं, ये अब तो इनकी घोषणा मशीन पिछले 5 महीने से डबल स्पीड पर चल रही है, और झूठ की मशीन भी डबल स्पीड पर चल रही है, ये देख नहीं सकते, ये नौजवानों इसकी आवाज नहीं सुन सकते, इसकी आवाज नहीं सुन सकते, उनके कान नहीं चलते, वो किसानों की समस्या को देख नहीं चलते, इनकी कान नहीं चलती, आंख नहीं चलते, मुंह बहुत चलता है, पर मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है। अब तो कुछ दिन ही बचे, शिवराज सिंह जी को मध्य प्रदेश की जनता विदा करेगी, करेगी? ये आपको मैं बताऊंगा, अब तो आपसे मुझे खुशी होती है। मंदसौर हमारे संस्कृति का प्रतीक है, मंदसौर हमारे संस्कृति का प्रतीक है। कोई नौजवानों समझ लो अपना देश, कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतने धर्म हो, कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतनी जातियां हो, कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतनी भाषाएं हो, कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतनी देवी देवताएं हो, कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतना पूजा हुए, हमारे इतने त्योहार हुए, ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है। आज अपना देश एक झंडे के नीचे खड़ा है, क्योंकि हमारे देश की संस्कृति और मंदसौर की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, और यही संस्कृति हमारी ताकत है। आपके गांव में, आपके शहर में कितनी जातियों के लोग हैं, कितने धर्म के लोग हैं, सब भाईचारे से रहते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है, हम दिल जोड़ते हैं। आपको इस संस्कृति की रक्षा करनी है। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया ऐसे देश में जहां इतनी अनेकता है, ऐसे देश में जहां इतनी विभिन्नता है। कितनी बड़ी चुनौती थी बाबा साहब अंबेडकर पर उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। पर अगर ये संविधान गलत हाथों में चला जाए तो क्या होगा? आप इस संविधान की रक्षक हैं, आप इस संस्कृति की रक्षक हैं, भविष्य के तो रक्षक हैं, साथ साथ आप इस संस्कृति की रक्षक हैं, इस संविधान के रक्षक हैं। आज प्रदेश का हाल देखे, मैं देखता हूं नौजवानों को, नौजवान बिना काम के, किसान
बिना दाम के। शिवराज जी आप किस काम के? ये आज तस्वीर आप सबके सामने है। हमारी सरकार बनी थी 15 महीनों के लिए, जिसमें से 2.5 महीने आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गए। 11.5 महीने में हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। मंसूर ने हमारा साथ नहीं दिया था, पर मैंने पक्षपात नहीं किया। हमने मध्य प्रदेश में 27 लाख किसानों का कर्जा पहली किश्त में माफ किया और मंदसौर में 1,01,000 किसानों का 390 करोड़ का कर्जा माफ किया। ये आप गवाह हैं। इतना कर्जा तो मेरे जिले छिंदवाड़ा में भी माफ नहीं हुआ। ये तो पहला किश्त था। दूसरा किश्त हम चालू कर रहे थे और किसानों को केवल डिफॉल्टर किसान नहीं, चालू खाता किसानों का भी माफ किया। सही बात है, आप मेरे गवाह हैं। शिवराज सिंह जी कहते हैं कमलनाथ ने कर्जा माफ नहीं किया। अब शिवराज सिंह जी का तो खाना हजम नहीं होता जब तक वो रोज झूठ ना बोले। वो तो झूठ को भी शर्मा देगी। झूठ बोलना हर चीज में। कौन सी गलती करी मैंने अगर कर्जा माफ किया? कौन सा पाप मैंने किया जहां 1,000 गौशाला 11 महीने में बताई? कौन सा पाप मैंने किया? कौन सा गुना मैंने किया कि हमने 100 यूनिट 100 रुपए में दिए? आज घर जाके अपने बिजली का बिल देखिएगा। हमने तो 100 यूनिट 100 रुपए में दिए थे और आगे आने वाले समय में हम आपको 100 रुपए माफ और 200 रुपए हाफ का बिल देंगे। कौन सी गलती करी मैंने? कौन सा पाप मैंने किया? कौन सा गुना मैंने किया कि पेंशन बढ़ाई? ये सब आप सबके सामने है। आप ही मेरे सबसे बड़े गवाह हैं। आप हैं मेरे गवाह, आप गवाह हैं और शिवराज के झूठ का गवाह भी आप हैं। शिवराज झूठ बोल बोलकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। आज भी मैंने तो कहा ना कि घोषणा मशीन डबल स्पीड पर चल रही है। उनको 18 साल बाद बहनें याद आई, 18 साल बाद कर्मचारी याद आए, 18 साल बाद नौजवान याद आए। बहनों हमारी सरकार आएगी। शिवराज कुछ भी कहते रहे, हम महिलाओं को 1500 रुपए देंगे, ये बात पक्की है। और मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूं, किसानों के लिए हमने वचन दिया है किसानों का कर्जा माफ फिर से शुरू करेंगे और किसानों को 5 हॉर्सपावर तक की सिंचाई पंप की बिजली मुफ्त देंगे। किसानों को कम से कम 12 घंटे बिजली देंगे, ये कृषि क्षेत्र है। और किसानों के पुराने बिल माफ करेंगे। किसान आंदोलन में जो गलत मुकदमे बने हम इसे खत्म करेंगे। आप चाहते हैं तो अंत में तो मैं आपसे यही कहता हूं, 17 तारीख को एक बटन दबाएंगे आप। ये बटन किसी उम्मीदवार का ही केवल नहीं है, ये बटन केवल पार्टी का नहीं है, ये बटन हमारे भविष्य का है, हमारे प्रदेश के भविष्य का है। ये बटन इन नौजवानों के भविष्य का है। हमारे कृषि क्षेत्र में कैसे मजबूती लाएं, ये बटन आप उसका दबाएंगे कि कैसे खाद के लिए नहीं आपको भटकना पड़े। आज संतरा का टैक्स खाद हमारा कार्यकाल था, किसी किसान को भटकना पड़ता था खाद या बीज के लिए? ये आप मेरे गवाह हैं। और ये बटन दबाइएगा, इन बच्चों के भविष्य से हमारी कृषि क्षेत्र के भविष्य को सुरक्षित रखिएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब 3 दिसंबर को गिनती होगी, सबसे ऊंचा झंडा हमारे मंदसौर जिले का होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।